चेंगुली की मैंगुली। हमारे बचपन में क्रिकेट को एक अच्छा मकसद देने के बाद आखिरकार इस पिक्चर के कास्ट अभी क्या कर रहे हैं और आखिरकार ये पिक्चर किसने बनाया था, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। चेंगुली की मैंगुली एक भारतीय स्पोर्ट ड्रामा सीरीज है जिसे 2007 में रिलीज किया गया। यह मूवी करण के इर्द गिर्द घूमता रहता है जो कि एक 13 वर्षीय का अनाथ बच्चा है जिसे क्रिकेटर बनने का सपना है कि वो एक दिन जाके क्रिकेटर बनेगा। उसकी जिंदगी तब बदलती है जब उसके हाथ में एक पुरानी बैट मिलती है और वो ऐसा मानता है कि वो कपिल देव का बैट है जिसका इस्तेमाल इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में किया था। उसकी किस्मत तब बदलती है जब उसे क्रिकेट के कोच उसकी प्रतिभा को पहचान जाते हैं और उसे भारतीय क्रिकेट में शामिल कर लेते हैं। करण अपने जादुई बैट से टीम को कई बार जीत दिलाता है लेकिन उसे कई ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि उसका दोस्त राघव। मारू हाथ लगा कर दिखाना। अच्छा अबे लगाना, अबे कर क्या लेगा तू बोलना, तू क्या कर लेगा। अबे चल जा जा, बस कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। आधा पादा कौन पादा, किसमें ताकत सबसे ज्यादा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो करण यह सीखता है कि असली ताकत जो होती है वो अंदर से आती है, खासकर जब उसके बैट एक महत्वपूर्ण मैच से पहले नष्ट हो जाता है। और वो अपने साथी वरुण की मदद से करण को समझाता है कि असली जो प्रतिभा होती है वो अपने अंदर होती है, ना कि किसी चीज में। अंत में करण को वरुण और मालिनी गोद ले लेते हैं और इसी साथ इस पिक्चर का अंत होता है। इस मूवी के कास्ट है जैन खान एज अ करण, राज बंसाली एज अ राघव, राहुल बोस एज वरुण, दीप्तिमान चौधरी एज डब्बू, राजेश खेर एज हिटलर, मीरा बैसाली एज अ मालिनी। इसकी कास्ट अभी क्या कर रहे हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले बात कीजिए अगर जैन खान की, ये अभी 33 साल के हो चुके हैं और ये अभी भी फिल्मों में लगातार काम किए जा रहे हैं। इन्होंने चेंगुली की मैंगुली के अलावा हरी पुत्र, डिटेक्टिव नानी, क्रिस 3, चांस पे डांस क्रिस, परिणति, माय वाइफ्स मर्डर, कुछ भीगे अल्फाज इन मूवी में भी काम किया है। बात करें अगर राज बंसल की तो इन्होंने भी बहुत ढेर सारी पिक्चरों में काम किया है। राहुल बोस इन्होंने भी ढेर सारी मूवियां की हैं जैसे कि सूर्या, चमेली, इरावन, प्यार के साइड इफेक्ट, पूनम और द जापानीज वाइफ। वहीं अगर डब्बू की बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ एक चुटकी आसमान ये मूवी की है। वहीं बाकी के किरदार भी अपने अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही यह फिल्म दिल छू लेने वाला हो लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अच्छी प्रतिक्रिया थी ही नहीं। इसने सिर्फ 3.4 मिलियन की कमाई की थी और इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज का भी सामना करना पड़ा था क्योंकि ये तो विशेष स्तर बच्चों के लिए बनाई गई थी। इस पिक्चर ने हमारे बचपन को तो जादू ही बनाया था ही लेकिन हमें एक सीख भी दी थी कि अन्य वस्तुओं में जादू नहीं होता, जादू हमारे अंदर होता है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना और क्या आपने भी ये मूवी देख रखी है ये भी कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।